कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सवाल यह उठता है कि हरियाणा की 2 करोड़ से अधिक जनता की मास्क की जरूरत पूरी कहां से हो, तो इस सवाल का जवाब करनाल की माता विद्यावंती और उनका परिवार है। सादे कपड़ों में करीब 76 साल पुरानी सिलाई मशीन पर हाथ चलाते देख आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि 92 साल की विद्यावंती यह सब कर कैसे लेती हैं। जब सेवा भाव दिल में हो तो फिर सारे सवाल हल हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा सेवा भारती से जुड़े अपने परिवार में बुजुर्ग विद्यावंती उनके बेटे बहू और पोते पोतियां खाली समय का सदुपयोग जरूरतमंदों के लिए मास्क सील कर करते हैं। बालवेसान की विद्यावंती छड़ी के सहारे चलती है, आंखों से भी कम दिखाई देता है, बावजूद इसके वह तेजी से मास्क सिलती है। करनाल के सदर बाजार में 92 वर्षीय माता विद्यावंती घर में खुद सिलाई मशीन से मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है। पिछले 15 दिन में सैकड़ों मास्क बनाकर लोगों को फ्री में बांट चुकी है। इस नेक काम में बुजुर्ग महिला के परिवार वाले भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं और इस बात से खुश भी हैं कि इस मुश्किल घड़ी में वो भी लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। विद्यावंती ने बताया कि वह अपने जीवन की ये तीसरी सबसे बड़ी त्रासदी देख रही हैं। इससे पहले प्लेग, फिर भारत पाक का विभाजन का दर्द स्वयं भुगत चुकी हैं। आज जो हालात हैं उसमें मोदी सरकार जो काम कर रही है वह काबिले तारीफ है। इसके लिए वह उन्हें अपना आशीर्वाद देती है। लॉकडाउन करके मोदी ने देश को बड़े नुकसान से बचा लिया है। विद्यावंती ने कहा कि मास्क बाजार से लो तो महंगे मिलते हैं। वह बताती है कि वह अपने समय की सबसे नंबर 1 टेलर रही हैं और सिलाई में दूर दूर तक उनका नाम था। इसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मास्क बनाकर लोगों को दिए जाएं। इसके बाद उन्होंने खुद मास्क सिलने शुरू किए और सेवा भारती की करण शाखा के अध्यक्ष अपने बेटे कृष्ण गोपाल वत्स के माध्यम से आज सैकड़ों मास्क लोगों को बांट रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में रहें और सरकार के नियमों का पालन करें। बुजुर्ग महिला विद्यावंती हर रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पूजा करती हैं, फिर अपने बूढ़े हो चुके शरीर और कमजोर हो चुकी आंखों की परवाह किए बिना घंटों बैठकर उन लोगों के लिए मास्क बनाने का काम करती हैं जो इन्हें खरीद नहीं सकते। उनके बेटे कृष्ण गोपाल ने बताया कि छड़ी के सहारे चलने वाली उनकी माता को ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद उनकी ऊर्जा और जोश में कोई कमी नहीं आई है। कई घंटे तक 76 साल पुरानी अपनी सिलाई मशीन चलाकर मास्क सिलती है। उन्हीं की प्रेरणा से हम सब मिलकर देश की सेवा में कुछ योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। प्रेरणा ये एक मेरे माताजी जो सा है, शुरू से जैसे आपने अभी बात हुई कि बचपन से लेकर उन्होंने एक तो पाकिस्तान का जो सब बंटवारा उस टाइम देखा, तब तो भी इन्होंने सेवा भाव से काफ़ी जो भी सेवा भाव किया, राष्ट्र सेवा की। और उधर से दूसरा कि संयोगवश हम भारत विकास परिषद कर्ण शाखा से जुड़े हुए हैं। सबसे प्रथम क्या है, हमारी राष्ट्र सेवा। अगर हम राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, अगर विपत्ति के समय हम काम नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा। और संयोगवश अब छुट्टियां हैं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं लगे, बच्चे भी घर थे, तो थोड़ा सा बच्चों को होता ही है कि चलो आनाकानी करना कि नहीं ये वो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चों को लगा, परंतु जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट हुई बच्चों को भी अब सीखने को मिला, बच्चे भी अपना फुल टाइम डिवोट करते हैं और इसमें एक स्किल डिवेलप हो रही है, बच्चे सीख रहे हैं, कटिंग बच्चे कर रहे हैं। मैं वो जो अपने माता जी के पास, वो माता जी की अपनी मशीन है जो माता जी ने 1947 के आसपास में सोने के अपने जो सामान बेच के खरीदी थी, तो वो अभी भी अच्छी चलती है। तो मेरा काम, मेरा फैंसी ड्रेस का काम भी है, स्कूल कॉलेज में जैसे फैंसी ड्रेस का काम है, तो उसके लिए ऑन द स्पॉट कई बार ड्रेस बहुत अच्छी सी तैयार करवानी पड़ती है, तो उसके लिए मैंने अम्ब्रेला मशीन मंगवाई थी। मिला मुझसे मास्क बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फैमिलीज में बांट सकें, और स्पेशली हम उन लोगों को ये देंगे जिनको, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मार्केट से मास्क खरीदना। हम फैमिली में ही प्योर कॉटन के ही मास्क बना रहे हैं। इसमें तनी भी जो है, जो ये जो स्लैंग है, ये भी कॉटन की ही बनाते हैं हम, विदाउट इलास्टिक के। हम ज़्यादा इंडिजिनस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं।
तो आपको कैसे प्रेरणा मिली ये चीज़ें करनी चाहिए आपको? सर मेरे अभी लॉकडाउन में पापा ही शुरू कर रहे थे मास्क बनाना, धीरे धीरे हम सभी इसमें जुड़ गए और अब जैसे आप देख रहे हैं हम कटिंग कर रहे हैं, पापा स्टिचिंग, मम्मा और कोई दादी भी, हम सब मिलकर एक जैसे अलग अलग स्टेप्स करते हैं और सारे मिलकर मास्क बना देते हैं। तो क्या चाहते हो कि ये जल्दी ये बीमारी दूर हो? जी बिल्कुल, हम बहुत चाहते हैं जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस चला जाए भारत से, बल्कि दुनिया से ही चला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें। क्या नाम आपका? मेरा नाम निष्ठा है। पाकिस्तान बनिया मेरे जिंदगी में तीजी बारी रौला पिया है, तीजी बारी। एक बार पाकिस्तान बनिया, एक बार जम्मू ने असें जी जम्मू से निकले हाँ, फिर इतने आए, इतने आए तिने कपड़े जी। ये हूँ इन्हें बड़ा अच्छा किया, मेरे मोदी ने आशीर्वाद मेरी दे देनी कि आपने बहुत अच्छा किया, बिना पैसे काम हो गया, नहीं तो इन्ने पैसे लगते हैं। हूँ बीमारी जी लाई है ना, ये बीमारी नहीं आती ये हाँ, घर गै रहते बाहर नहीं निकलना। की नाम है जी तुहाडा? मेरा? हाँ जी, मेरा नाम विद्यावंती। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.